नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे CA3140E मॉडल। CA3140 जो कि एक OP एम्पलीफायर आईसी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये 8 पिन की आईसी होती है और इसके अंदर एक एम्पलीफायर सिस्टम बना होता है, यानी ये एक चैनल एम्पलीफायर के लिए बनाई जाती है। और CA3140 OP एम्पलीफायर आईसी होती है और ये 8 पिन के अंदर आती है। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल, प्लस ये किस तरह एम्पलीफाई करती है सिग्नल को, उसके बारे में बात करेंगे। एम्पलीफाई सिग्नल क्या कुछ होता है, कैसे लो सिग्नल को हाई के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, एम्पलीफाई सिग्नल किन किन जगह पर काम करता है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो CA3140E मॉडल जो है, इसके लिए मुझे कमेंट आया था। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है मुशरफ जी 6980। मुशरफ जी हैं जिनका चैनल का नाम है मुशरफ 6980, इनका चैनल का नाम है। 6 दिन पहले उन्होंने कमेंट किया था कि SG3524 और CA3140 के साथ किस तरह कम्युनिकेट किया जाता है, किस तरह ये वर्किंग करती है, किस तरह इसकी SG3524 के साथ काम होगा। तो ये दोनों चैप्टर जो हैं अलग अलग हैं, इनको हमें सबसे पहले अलग अलग समझना पड़ेगा कि SG3524 किस तरह काम करती है और CA3140 आईसी जो होती है वो किस तरह काम करती है, उसकी वर्किंग क्या है। उसके बाद दोनों को जोड़ के एक सर्किट बनाया जाएगा। तो मुशरफ जी, सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, CA3140 जो आईसी है उसके बारे में करेंगे। इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होती है, ये सिग्नल को किस तरह एम्पलीफाई करती है, कितने वोल्ट देने के बाद ये कौन सा आउटपुट निकालती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, CA3140 आईसी। तो सबसे पहले ये जो आईसी होती है, एक ओपी एम्पलीफायर आईसी है, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी है। ऑपरेशन मींस ये सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट देती है हमारे हमको, जो कि एक इसके अंदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट बनाता है, यानी एक इसके अंदर एम्पलीफायर सिस्टम बना हुआ है। तो बेसिकली 8 पिन के अंदर आती है और मार्केट के अंदर ये इसी तरह आपको अवेलेबल मिलेगी, यानी 4 एक साइड पिन है, 4 एक साइड मीन्स ये डिप टाइप के अंदर आपको अवेलेबल होगी मार्केट के अंदर, जिसके ऊपर नंबर लिखा होगा CA3140। ठीक है जी, तो ये है इसका हार्डवेयर जो कि इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है, जो कि OP एम्पलीफायर आईसी के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले इसका इंटरनल सर्किट करते हैं, इसके इंटरनल सर्किट के अंदर किस तरह इसको यूज किया जाता है, कौन कौन सी पिन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पिन नंबर एक होती है, जिस साइड ये डॉट लगा होता है उस साइड ये पिन नंबर एक होती है। तो ऑफसेट नील की पिन है पिन नंबर एक, और पिन नंबर दो है इन्वेंटिंग इनपुट की पिन। इन्वेंटिंग वो पिन होती है जो कि आईसी की इंटरनल तौर पे नेगेटिव की पिन होती है। तो इन्वेंटिंग की पिन जो है वो है एक, पिन नंबर दो जो कि नेगेटिव की पिन है, और पिन नंबर जो तीन है इसकी वो है नॉन इन्वेंटिंग की पिन, जो इसके अंदर ओ एम्पलीफायर आईसी लगा, एम्पलीफायर सर्किट लगा हुआ, उसकी जो नॉन इन्वर्टिंग की पिन होती है, नॉन इन्वर्टिंग मीन्स पॉजिटिव की पिन है ये। ठीक है जी, और पिन नंबर चार जो है V- यानी इस पिन के ऊपर नेगेटिव सप्लाई दी जाएगी। पिन नंबर जो पांच है वो है ऑफसेट नील की पिन, यानी पिन नंबर एक और पिन नंबर पांच को एक रजिस्टर के माध्यम से जोड़ के आपस के अंदर जीरो टाइमिंग सिस्टम सेट किया जाता है। पिन नंबर जो छह है ये है इस आईसी की आउटपुट की पिन, यानी पिन नंबर दो और तीन से जो इनपुट सिग्नल जाएगा वो पिन नंबर छह से आउटपुट होगा। पिन नंबर सात जो है इसकी पॉजिटिव सप्लाई की पिन है, जिसके ऊपर आप 5 वोल्ट से अबव, यानी 9 वोल्ट या 10 वोल्ट या 12 वोल्ट की सप्लाई इसके ऊपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पिन नंबर चार जो है ये स्टॉपर की पिन होती है, इसको हम बहुत ही कम ही यूज करते हैं, ये बेसिकली NNC की पिन होती है, यानी इसको यूज नहीं किया जाता हमारे एम्पलीफायर सिस्टम के अंदर। तो ये बेसिकली ये 8 पिन की जो आईसी है, तो इसके बारे में ये इसकी पिन डिटेल है।
तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये एक एम्पलीफायर सर्किट बना हुआ है, जो कि इसकी दो इन्वर्टिंग की इनपुट पिन है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग की पिन है, और एक पिन नंबर 6 जो है इसकी आउटपुट की पिन है। इस आईसी का मेन काम है लो सिग्नल को हाई सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना। लो सिग्नल मींस जैसे आपका मोबाइल का ऑडियो सिग्नल है, उससे अगर आप 6 इंची या 8 इंची अगर स्पीकर चलाना चाहते हो तो उसकी आवाज बहुत ही कम आएगी या नामात्र होगी, बिल्कुल आएगी नहीं। अगर वो आवाज हम इस आईसी के माध्यम से पास आउट करवा के हम अगर यूज करते हैं तो वो सिग्नल बढ़ जाएगा, यानी एम्पलीफाई हो जाएगा। जो लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करता है एम्पलीफाई सिग्नल, तो उसी कहते हैं हम एम्पलीफाई सिस्टम या एम्पलीफाई आईसी, जो लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। तो ये है हमारे पास एक सिंगल चैनल जो कि CA3140 आईसी, इसकी पिन डिटेल बता दी है। अब बात करेंगे इसके थोड़े से सर्किट के बारे में। तो आपके सामने ये इस तरह इसका सर्किट बना होता है। तो सबसे पहले ये काम किस तरह करती है एम्पलीफायर आईसी, जो पिन नंबर 5 के ऊपर अगर मैंने मान के चलिए यहाँ पे मैंने 10 वोल्ट की सप्लाई दी है, यहाँ पे पॉजिटिव 10 वोल्ट और पिन नंबर जो नेगेटिव है इसको अगर ग्राउंड भी कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव सप्लाई दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं ये आईसी काम किस तरह करती है। मेन ये जो दो पिन है इसकी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, उसी के आधार पे ये काम करती है। बस आपको एक सिंपल सा तरीका, आपको सिंपल सा एक माध्यम आपको पता होना चाहिए कि ये आईसी आउटपुट के रूप में क्या आउट करेगी इनपुट हाई और लो देने के बाद। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि पिन नंबर 2 जो है वो है माइनस की पिन, यानी इन्वर्टिंग की पिन, और पिन नंबर 3 जो है वो है नॉन इन्वर्टिंग मीन्स पॉजिटिव की पिन, यानी माइनस पिन ये है लो की पिन और ये है हाई की पिन। पॉजिटिव को हाई बोलते हैं, माइनस को लो बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। बस आपने ये पिन का ध्यान रखना है। अब आउटपुट मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने पिन नंबर 2 के ऊपर दे दिया वोल्ट कितने 2 वोल्ट, और पिन नंबर 3 के ऊपर दिए हैं मैंने 3 वोल्ट। बस आपने ये देखने किस पिन के ऊपर वोल्ट ज्यादा है, ये दोनों वोल्ट ही पॉजिटिव हैं। अब पिन किसके ऊपर वोल्ट ज्यादा है, पिन नंबर 3 के ऊपर वोल्ट ज्यादा है, कितने वोल्ट है 3 वोल्ट। तो आउटपुट हमारा क्या होगा, यहाँ से आउटपुट हाई, मीन्स ये पॉजिटिव पिन के ऊपर हाई वोल्ट है तो आउटपुट क्या होगा हाई वोल्ट। लेकिन हाई वोल्ट जो जहां से आउटपुट होगा वो कितना होगा हाई वोल्ट, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हाई वोल्ट जब भी आउट होगा तो वो डिपेंड करता है कि इसको ऑपरेटिंग वोल्ट कितने दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 10 वोल्ट दिए हैं पॉजिटिव के, तो आउटपुट के रूप में यहाँ पे मुझे पॉजिटिव के 10 वोल्ट आउटपुट मिलेंगे, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अगर पिन नंबर मैं अब उल्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, कि पिन नंबर जो 2 है इसके ऊपर मैं 3 वोल्ट और पिन नंबर जो 3 है इसके ऊपर 2 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव के 2 वोल्ट है पिन नंबर 3 के ऊपर, पिन नंबर जो 2 है इसके ऊपर है पॉजिटिव के 3 वोल्ट। तो अब सिस्टम क्या होगा, जिस पिन के ऊपर वोल्ट ज्यादा है, मैंने पहले बताया जिस पिन के ऊपर वोल्ट ज्यादा होंगे आउटपुट के रूप में वही आपको मिलेंगे। अब किस पिन के ऊपर वोल्ट ज्यादा है, पिन नंबर 2 के ऊपर ज्यादा है, तो 2 जो पिन नंबर है वो किसकी है, पिन नंबर लो की पिन है, यानी माइनस की पिन है। तो आउटपुट के रूप में यहां पे आपको क्या वोल्ट प्राप्त होंगे, लो। ये है ओपी एम्पलीफायर आईसी का फार्मूला, बिल्कुल सिंपल सा कि आउटपुट के रूप में आपको क्या प्राप्त होगा, लो। बस आपने ये पिन का ध्यान रखना है कि किस पिन के ऊपर आपने हाई वोल्ट दिए हैं। जो नेगेटिव की पिन है इसकी, जिसे हम इन्वर्टिंग की पिन बोलते हैं, वो तो होती है नेगेटिव की पिन मीन्स लो की पिन है, और पिन नंबर नॉन इन्वर्टिंग की पिन है पिन नंबर पॉजिटिव की पिन है, ये वो है होती है पॉजिटिव मीन हाई की पिन। अब जिस पिन के ऊपर वोल्ट ज्यादा है वो जिस पिन से वोल्ट इनपुट होंगे वो ही आउटपुट होंगे। पिन नंबर 2 के ऊपर 3 वोल्ट है, पिन नंबर 3 के ऊपर 2 वोल्ट है। अब ज्यादा है पिन नंबर 2 के ऊपर वोल्ट क्या है, हाई वोल्ट है, यहाँ पे ज्यादा वोल्ट है हाई, और यहाँ पे कम वोल्ट है, यानी 2 वोल्ट 3 वोल्ट से कम है तो यहाँ पे कम वोल्ट है। अब ज्यादा वोल्ट किस पिन पे है, पिन नंबर
दो के ऊपर ज्यादा वोल्ट है। तो ज्यादा वोल्ट होने के कारण ये पिन किसकी है? नॉन इन्वर्टिंग की पिन, नेगेटिव की पिन है, मींस लो की पिन है। तो आउटपुट के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा? लो। अगर पिन नंबर यहाँ पे 2 वोल्ट है और यहाँ पे मैंने दे दी 4 वोल्ट, ठीक है जी, तो अब वो कंडीशन उल्ट हो जाएगी। पिन नंबर जो 3 है इसके ऊपर ज्यादा वोल्ट है और पिन नंबर 2 के ऊपर कम वोल्ट है। तो पिन नंबर जिसके ऊपर ज्यादा वोल्ट होंगे, अब पिन नंबर 3 के ऊपर ज्यादा वोल्ट है, लेकिन ये पिन किसकी है? पॉजिटिव की है, यानी नॉन इन्वर्टिंग की पिन है, हाई की पिन है। तो हाई है तो आउटपुट के रूप में मुझे क्या प्राप्त होगा यहाँ पे? फिर हाई। हाई कितने वोल्ट होंगे? जितने इसके ऑपरेटिंग वोल्ट दिए हैं हमने। अगर मैं यहाँ पे 10 के बजाय यहाँ पे मैं 7 वोल्ट दे देता हूँ, तो आउटपुट हाई के रूप में यहाँ पे मुझे कितने वोल्ट मिलेंगे? 7 वोल्ट। अगर मैं यहाँ पे 12 वोल्ट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट के रूप में 12 वोल्ट मिलेंगे पॉजिटिव के, यानी हाई के 12 वोल्ट। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा तरीका है। तो ये सिग्नल को क्या कर दिया इसने? एम्पलीफाई कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या दिया? लो, कम वोल्ट दिए। यहाँ पे मैंने 4 वोल्ट दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 4 वोल्ट दिए हैं पिन नंबर 3 पे, लेकिन जब हाई के रूप में मुझे प्राप्त होंगे तो कितने वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं? 12 वोल्ट। तो इसने उस सिग्नल को क्या कर दिया? एम्पलीफाई कर दिया, सिग्नल को बढ़ा दिया है, लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। यानी जो मेरी मोबाइल की इनपुट थी, जो मेरी आवाज थी, इनपुट आवाज, वो मान के चलिए 20% थी, लेकिन जब ये इस आईसी ने मुझे आउटपुट दिया हाई के रूप में, तो यहाँ पे क्या होगी? 90 से 100%, यानी वो 20% बढ़ के 100% में कन्वर्ट होगी, यानी एम्पलीफाई होगी। तो उसे बोलते हैं हम ओपी एम्पलीफायर आईसी। तो ये है हमारी ओपी एम्पलीफायर आईसी, जो कि CA3140 के नाम से जानी जाती है। और इसके अंदर एक एम्पलीफायर जो सर्किट बना होता है, यानी ये सिंगल आउटपुट यानी सिंगल चैनल के लिए काम में ली जाती है। तो ये थी आज का हमारा टॉपिक, CA3140 ओपी एम्पलीफायर आईसी, जो कि सिंगल चैनल के लिए काम में ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद जी।